मियां आमिर के पूरे दिन आने वाले हैं, उनके खिलाफ हम जा चुके हैं कोर्ट में। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, ये लैंड माफिया है, ये एजुकेशन माफिया है, लेकिन फिरौन भी बहुत बड़ा माफिया था, वो भी रुई की तरह उड़ गया, ये भी उड़ जाएंगे, इनका भी मुस्तकबिल कोई ज्यादा ताबदात नहीं। हमने सिर्फ अपने आप को क्लियर रखना है कि हमारी लड़ाई सिर्फ छोटी नहीं, ये लाल झंडे वाले जो लाल लाल लहराए की बात करते हैं, आपका मकसद क्या है, तो हमारा मकसद भी सुन लें। हमारा मकसद मुफ्त और म्यारी तालीम है हर शहरी के लिए, हमारा मकसद साफ पानी है हमारी बहनों के लिए, हमारा मकसद है कि हर नौजवान को, हर शहरी को तहफ्फुज़ मिले, रोजगार का तहफ्फुज़, उसकी जानो माल का तहफ्फुज़, और उसका निशान लाल झंडा है, और वो लाल झंडा जो हम इधर लहरा रहे हैं वो बिंदु नहीं है कि यही लाल झंडा हम इस पंजाब असेंबली के ऊपर भी लड़ाएंगे और इंकलाब का दिन होगा। तालिबानों पे तशद्दुद किया, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर गिरफ्तारियां की, और बाद में जिस तरह हमारी बहन फिदरा के घर पे रेड किया गया, जिस तरह सुबह 4 बजे हर चीज का हर तकद्दस पामाल किया गया, हम में ये हौसला है कि आज भी हम पुरामन हैं। ये आप लोग का, नौजवानों का हौसला है, हिम्मत है, जुर्रत है कि आज भी आप लोग पूरा मन है, वरना अगर हमने तशद्दुद करना होता तो वो दिन था कि उसी दिन हम आके आपको बता देते कि ये जो असेंबली है ये चोरों डाकुओं की असेंबली है, या ये अवाम की, तुलबा की, मेहनत कशों की असेंबली है, और यहाँ पे किसकी ताकत चलेगी, किसकी हुकूमत चलेगी। पूरा उसका घर जो है उल्ट किया गया, और आपको तो क्या ढूंढ रहे थे, ये किताबों को ढूंढ रहे थे, ये कहीं ये स्टूडेंट किताबें तो नहीं पढ़ते, ये बेशरम ये किताबों से डरते हैं, ये शऊर से डरते हैं, ये इल्म के दुश्मन हैं, ये तालीम के दुश्मन हैं, ये जहन के दुश्मन हैं, ये सोच के दुश्मन हैं। हमने ना सिर्फ अपनी जद्दोजहद करनी है सड़कों पर, बल्कि हमने अपने जहनों को की भी जहन साजी नहीं, ये जो इन्होंने कूड़ा भरा है हमारे जहनों में इतने सालों से, उस कूड़े को भी साफ करना है, हमने सवाल करना है, हमने अपना इल्म बढ़ाना है, अपनी तालीम बढ़ानी है, ये हमें तालीम से दूर रखना चाह रहे हैं। इसलिए आज जो लड़ाई है हमारी, सवाल उठाने की भी लड़ाई है, सवाल उठाने वाले को उठा लिया जाता है पाकिस्तान में। हम आज साबित करेंगे कि सवाल उठाना शहरियों का बुनियादी हक है, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जितने मर्जी FIR करो, जितने मर्जी रेडे करो, जितनी मर्जी गिरफ्तारियां करो, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देख लेंगे, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देख लेंगे। अभी हमारे मुज़ाकरा चल रहे हैं DC साहब से, हम आज पूरा मन है, पूरा मन तरीके से हम यहाँ पे एहतजाज अपना खत्म भी करेंगे। अगर मंडे तक हमारे साथी रिहा ना हुए, अगर ये FIR वापस ना हुई, तो फिर मामला अलामती मुजाहिरों तक नहीं रहेगा। ये अलामती मुजाहिरा नहीं होगा, फिर ये जिस तरह मैंने कहा, ये सड़कें भी हमारी होंगी, ये पार्लियामेंट भी हमारा होगा, ये यूनिवर्सिटियां भी हमारी होंगी, जगह जगह दमादम मस्त कलंदर होगा। आप अपना इतिहाद बरकरार रखें, पुरअमन रहे, पढ़ते रहे, लिखते रहे। जिंदा है तुलबा, 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 अय्यूब से लड़के, अय्यूब से लड़के, सियासत से लड़के, सरकू से लड़के, सरकू से लड़के, सियासी से लड़के, सियासी से लड़के, सियासी से लड़के, चाटी भी खाके, चाटी भी खाके, टकरा के देखे, 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 टकरा के देखे,
कुर्बान। इंकलाब इंकलाब इंकलाब।